वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सरा डिज़ाइंस। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पेंट टाइप प्लाजो की कटिंग सिखाऊंगी, वो भी सिर्फ 2 मीटर कपड़े में। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो है टोटल कपड़ा है वो 2 मीटर है। इस कपड़े को जो है मैंने डबल कर लिया है, उल्टी वाली साइड को बाहर की तरफ रखा है और सीधी वाली साइड को अंदर की तरफ। हल्का सा प्रेस करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर जो है हम अपनी खुली वाली साइड को अपनी तरफ रखेंगे और बंद वाली साइड को दूसरी तरफ रखेंगे। अब ऊपर की तरफ से जो है हम सीधी स्केल से इस तरह से मार्क करेंगे ताकि हमारा जो भी आड़ा कपड़ा है वो निकल जाए। इस निशान से जो है हम 2-2 इंच नीचे की तरफ एक और निशान लगाएंगे, अपने घेरे का निशान लगाएंगे हम। इस निशान को भी जो है हम मिला देंगे। अब यहाँ पे जो है हम अपनी खुली वाली साइड की तरफ आधा आधा इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। तो अब आते हैं हमारे मेजरमेंट की तरफ। यहाँ पे मेरी जो प्लाजो की लेंथ है वो है 38 इंचेस, हिप जो यहाँ पे है वो है 19.5 इंच। एक तरफ का हिप है, ये राउंड में नहीं है। और बॉटम जो हमें तैयार रखना है वो है 6 इंच। तो यहाँ पे मैं जो है अपने हिप को 2 से डिवाइड कर रही हूँ। 19.5 को हम जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन मेरे पास 10.5 इंच आएगा। वो उसमें हम जो है 2.5 इंच ऐड करेंगे। अगर आप राउंड में हिप ले रहे हैं तो आपको वो 4 से डिवाइड करना है, फिर उसमें 2.5 इंच ऐड कर लेना है। तो ऊपर की तरफ से हम जो है पहले 10.25 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच छोड़ के, फिर उसमें जो है हम 2.5 इंच ऐड करेंगे इस तरह से। तो अब हम देखेंगे टोटल में ये कितना आ रहा है। टोटल में ये जो है 12.5 इंच आ रहा है। तो हम जो है अपने आसन के निशान पर भी 12.5 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद जो है हम 2 इंच तकरीबन यहाँ पर बाहर की तरफ निकलेंगे, जो कि हमारी आसन की गोलाई का निशान होगा। यहाँ पे मैं जो है आसन के लिए 13.5 इंच उतरी हूँ। अब हम जो है यहाँ पे अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ हमने जो है हमारी 38 इंच है, तो 38 इंच पे हम जो है इस तरह से निशान लगाएंगे और उसको भी जो है मिला देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हम अपनी आसन की लाइन को भी मिला देंगे। आसन की लाइन तक जो इतना मैं उतरी हूँ वो मैं उतरी हूँ 13.5 इंच। उसके बाद जो है हम अपने ऊपर के पॉइंट को भी मिला देंगे इस तरह से नीचे के पॉइंट के साथ। और फिर यहाँ पे जो है हम इसको 2 इंच बाहर निकलेंगे इस तरह से और इसमें जो है गोलाई देंगे यहाँ पे। अब हम ये पूरा मेजर करेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पे 15 इंच आ रहा है, तो 15 का आधा जो यहाँ पे हमारे पास आएगा वो आ रहा है 7.5 इंच। तो हम इस तरह से जो है 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, नीचे भी, बीच में भी एक निशान लगाएंगे और ऊपर भी निशान लगा देंगे। यहाँ पे जो हमारी मोहरी तैयार है वो है 6 इंच। तो हम इस निशान के एक तरफ से 3 इंच लेंगे, मोहरी का आधा हिस्सा, और दूसरी तरफ से जो है 3 इंच लेंगे। तो टोटल में ये 6 इंच आएगा। अब हम जो है इस निशान को ऊपर के आसन के निशान के साथ मिला देंगे इस स्केल से, इस तरह से। इस स्केल को जो हम इस तरह से मोड़ेंगे अब और नीचे वाले निशान को इस तरह से मिलाएंगे। ऊपर तक हमें ये बराबर नहीं मिलाना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे जो है गैप ही रखना है। नीचे की तरफ से अब जो है हम अपनी फोल्डिंग का निशान लगाएंगे। मैं जो है यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इस प्लाजो में जो है डिज़ाइन बनाना है बाद में। अब हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम ऊपर से कटिंग करेंगे, उसके बाद जो है हम बराबर मार्क पर ही कटिंग करेंगे। कुछ भी हमें जो है इसमें कम या ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह से इस साइड की कटिंग करेंगे आसन वाली साइड की तरफ से। फिर जो है हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं यहाँ पे, इस साइड की भी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपको, मुझे इस प्लाजो में जो है डिज़ाइन बनाया है नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ पे जो है सिर्फ 1 इंच की फोल्डिंग ले रही हूँ। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से इसमें ज़्यादा भी फोल्डिंग दे सकते हैं। इसकी भी कटिंग कर देते हैं यहाँ पर बराबर। जो हमारा वो खुला वाला साइड है उसकी हमें अभी कटिंग नहीं करनी है, इसकी कटिंग जो है हम आगे चल के करेंगे। ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है इसको हम जो है इस तरह से बिछा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने जो है अपनी बंद वाली साइड को अपनी तरफ रखा है। अब हम देखेंगे कि प्लाजो कहाँ पे हमारा निकलेगा। देखिए, इस तरह से इसको बिछाएँगे। थोड़ा सा मैं ऊपर खींच रही हूँ इसको। इस तरह से बराबर से रखते हुए अब हम जो है यहाँ पे अपनी आसन वाले पॉइंट पे जो है थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। इस तरह से लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अब हम जो है 2 इंच बाहर निकलेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। ऊपर से भी जो है हम 2 इंच बाहर की तरफ निकलेंगे
उसके बाद जो है हम ऊपर वाली लाइन को अपने आसन के साथ मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी जो हम गोलाई दे देते हैं नीचे की तरफ जहाँ पे हमारी मोरी है वहाँ पे भी जो है हम 2 इंच बाहर निकलेंगे इस तरह से, और इसको भी जो है हम मिला देंगे नीचे से मोरी वाली निशान को ऊपर तक इस तरह से। पीछे वाले साइड में जो हमारा ये कपड़ा कम पड़ जाता है वो हम लगा आएंगे, जो साइड से हमारा ये कपड़ा बचेगा या हम जो है पीछे से लगा देंगे इसमें। तो सबसे पहले जो है हम इसमें अब कटिंग कर देते हैं, यहाँ पे बराबर निशानों पे ही कटिंग करनी है हमें इसकी भी। तो ये देखिए जो है हमने कटिंग कर ली है, अब जो है हमारे पास पीस बचा है इसको जो है हम अपने पीछे वाले साइड पे लगा देंगे। पहले इसकी जो है थोड़ी बहुत कटिंग कर देते हैं यहाँ पे। अब इस बचे हुए पीस को जो है हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, ये देखिए बराबर से रखना है हमें इसे, और प्लाजो को इसके ऊपर रखते हुए बराबर रखेंगे हम। अब यहाँ पे जो है हम अपने पीछे वाले हिस्से को 1.5 इंच ऊपर की तरफ उठाएंगे, फिर इसको जो है इस तरह से मिला देंगे हम। और यहाँ पे जो है हम इस तरफ से जो है इस गोल स्केल से इस तरह से निशान लगाएंगे, और उसके बाद जो है हम इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए। और अब हम जो है इस साइड की कटिंग करेंगे चारों पीसों की। देखिए यहाँ पे पहुँचते वक्त जो है हमें बराबर लाइन पे कटिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा गोलाई में कटिंग करनी है इस तरह से, हमें जो है गोल में कटिंग करनी है। फिर नीचे से जो है हम बराबर मार्किंग पे ही कटिंग कर देंगे इसकी। तो इस तरह से जो है हमारी 2 मीटर में जो है प्लाजो की कटिंग हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और बराबर में जो बेल आइकन है वो दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अल्लाह।